खड़े हैं राज्य के तकनीक शिक्षा राज्य मंत्री राम किशोर जी सैनी साहब के साथ, और हम ये जानना चाहेंगे कि जो तकनीक शिक्षा क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और जो आज इन्होंने जेल का विभाग भी इनके पास है, उसके संबंध में इनकी क्या नीतियाँ हैं और वो क्या नए प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमें डिटेल प्रकाश डालें। देखिए, तकनीक शिक्षा क्षेत्र में जो अभी तक इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो काफ़ी ठीक हैं, लेकिन अभी भी और गुंजाइश है कि इस अभियांत्रिकी क्षेत्र के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और जो साधारणतः 80% बच्चा गांव से आता है, उसका इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत वीक होता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एक नया प्लान सोचा है कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसी क्लासेज चलाई जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ताकि बच्चा अपना डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद में समाज में जब जाए, सर्विसेज में जब जाए, तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना काम कर सके। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, और साधारणतः आपने भी देखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बहुत स्टडी करते हैं और उसके अनुसार उनको जब रिजल्ट नहीं आता बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, कई दफ़े ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं सुसाइड जैसी हो जाती हैं, तो उसके लिए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हमने ऐसे एक एनजीओ से बात की है ताकि बच्चों को ये बता सकें कि वो अपने करियर को किस प्रकार से आगे हैंडल करेंगे और स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे गाँव के बच्चों के पास में शब्दकोश नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, या एक्सप्रेशन करने की उनकी पावर नहीं होती, इसलिए उनको ऐसा ज्ञान दिया जाए ताकि वो अपने जो अंदर उनकी प्रतिभा है वो बाहर निकल के आ सके और किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी काम में या सर्विसेज में वो अपने आप को पूरी कॉन्फिडेंट के साथ स्थापित कर सके। सर, राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित किया गया है, मगर वहाँ आज इतने समय बाद भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, रिजल्ट चार चार पाँच पाँच महीने डिले हो रहे हैं, एक एक सेशन के बाद रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद भी रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, इस संबंध में आप क्या करेंगे? ये चीज़ हमारे ध्यान में लाई गई थी, हमने जो वहाँ के एडीसी हैं मिस्टर यादव, उनको निर्देश दिए हैं कि सारे सेमेस्टर को रेगुलराइज किया जाए और टाइमली एग्जाम लेके और उनके रिजल्ट्स आउट किया जाए, और साथ में हम लोगों को ये भी निर्देश दिए हैं कि दो महीने के अंदर अंदर आप जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं जिनको डिग्रियाँ नहीं मिली हैं परमिशन करके उनको सबको डिग्रियाँ प्रदान करें, ताकि जो हमारा बच्चा आगे स्टडी करना चाहता है या सर्विसेज में जाना चाहता है उसको उस डिग्री के अभाव में किसी प्रकार की कोई बाधा होती नहीं। सर, जो नौकरी की जो समस्या है, उनके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ को लेकर वो निश्चित तौर पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जितने भी आवश्यकता हो जैसे महसूस की जाती है उसके अनुसार में रिक्रूटमेंट किया जाता है। कब तक उम्मीद है कि वहाँ पे बच्चा है? शीघ्र ही, जैसे प्रोसेस में है वो सारी चीज, जैसे हमें डिमांड के अनुसार प्रोसेस करके उसको। सर, तकनीकी शिक्षा के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, एक एक कॉलेज एक एक कमरे, मतलब एक एक छोटी छोटी जगह पे चार पाँच पाँच डिग्रियाँ चल रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है हमारे गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं वो इस प्रकार के नहीं है। गवर्नमेंट तो मैं आपको चल पा रहा हूँ, उन कॉलेजेस की बात कह सकता हूँ कि किसी प्रकार की उन्हें अहमियतें की होंगी, बात सही है आपका, कहीं कहीं ऐसे सुनने में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास पर्याप्त नहीं है या इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग उनके पास गाँव के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, तो हम टाइम टू उनके चेकिंग कराते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं और उनको नोटिस करते हैं कि आप इसको ठीक करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई। सर, देवस्थान का उद्घाटन आप अभी करके आ रहे हैं, जस्ट देवस्थान की जो पोजीशन है बरसों से बहुत खराब है, देवस्थान की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, देवस्थान के मंदिरों की हालत खराब है, देवस्थानों पे जो लोग काबिज हो चुके हैं वो उनको अपनी निजी संपत्ति बना के बैठे हो, इवन यहाँ ही नहीं उत्तराखंड में भी जो जमीनें हैं, उत्तर मथुरा में जो है, हरिद्वार में जो है, उन सबको लेकर के आपकी क्या योजना है उसके बारे में? ये एक्चुअली मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कैबिनेट मिनिस्टर जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, मैं स्पेशल मिनिस्टर हूँ देवस्थान का, वो आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा ये सोच है कि इस प्रकार की देवस्थान की जो प्रॉपर्टी है उसको जब ये हमारा कमिश्नर ऑफिस बन गया है तो उनकी ड्यूटी है कि उस सारी प्रॉपर्टीज़ को रेस्टोर करके देवस्थान में डालें और जिन लोगों ने पोजीशन किया हुआ है ट्रेसपासर उनको आउट किया जाए और मंदिरों को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ की पवित्रता और धार्मिक मान्यताओं को संरक्षण रखने के लिए उनमें और बेहतरीन तरीके से काम किया। अच्छा, और जेल के निरीक्षण क्या? जेल में मैं निरीक्षण करके आया हूँ जयपुर जेल का, और क्राउड की स्थिति है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से बियॉन्ड बंदी वहाँ पर हैं, और एक आवश्यकता है जेल की
उदयपुर में नींद भरनी चाहिए और मैंने महसूस किया इसके लिए आज मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि आगामी जो भी बजट हुआ है सत्र में इसकी एक उदयपुर को और जोर दी जाए। सर, उदयपुर के अंदर इस योजना के ऊपर पहले भी कार्य हो चुका है और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर शहर के बाहर एक जेल के लिए जगह देखी गई थी और इस जगह पे जहाँ पे जेल लिए 9 रुपए की जमीन हो चुकी है, इसको आगे कमर्शियल रूप से सरकार बनाने के उस पर चल कार्य कर रही थी। बिल्कुल, यही हमने सोचा है कि जो जेलें हमारी आबादी में आ गई है, इस प्रकार की स्थिति में आ गई है जहाँ पर अब हमारे बंदी भी सुरक्षित नहीं थे कई बार, तो ये कोशिश रहती है कि जेलों को उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसके बदले में दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीद के अपना जेल बनाई।